बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 49वां स्थापना दिवस आज अटल सभागार में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक केंद्र में कल्चरल क्लब के छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसके बाद विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई। उसके बाद दीक्षांत समारोह के दौरान जिन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुए थे, उनको स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही 37वें अंतर विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल के विजेताओं को मेडल वितरित किए गए और खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के 49वें स्थापना दिवस पर शिक्षक और कर्मचारियों में हुई प्रतियोगिताओं में ओवरऑल चैंपियनशिप प्राप्त करने वाले शिक्षक कर्मचारी वर्ग के साथ चैंपियनशिप रनर अप रहे उप विजेता शिक्षक वर्ग को भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज वो बहुत खुशी की बात है कि आज इस स्थापना दिवस में मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला, और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि ज्योतिबा फुले महाविद्यालय से इसकी आज 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब सभी को शुभकामनाएं और ईश्वर ऐसे ही बताते हैं।